अरे क्या हो गया हाथ तो तेरे, क्या हो गया? देख तो कितने पराठे बनाने में ये हाल हुआ। अरे 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 क्या हो रहा है? अरे की मस्ती का अलग ही लेवल है। ये देखो हमारी क्लास के बॉडी बिल्डर। एक और बार वो घड़ी आ गई आ गई। प्रैक्टिकल हमारे सर पर चढ़ के बैठे हुए हैं। कुछ पता है नहीं क्या आने वाला है, क्या लिखना है, कुछ नहीं पता। बस हम हंसे जा रहे हैं बिल्कुल। जितनी भी भगवान है सबको याद कर लो और बस आ जाओ, फिर पढ़ के और क्या कर सकते हो। बाकी लोगों के भी हाल बेकार है, इकलौता मैं नहीं हूँ, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस कॉलेज के सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जरा बताओ आज के दिन होने वाला क्या है? है? भाई आज होने वाला है, पहले ये बताओ। सर ने बताया नहीं है, वो कल मैं बहुत परेशान हो गया। वो फोन दोस्तों के इतने आए कि मैं परेशान हो गया बेचारा। जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशान शुभम, सबसे ज्यादा जिंदगी में परेशान ये लड़का है ना। तो सुनते भाई कुछ ये भी बता दे यार, क्या करना है? चीटिंग वीटिंग होगी कि नहीं? चीटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, अपना टैलेंट चीटिंग के लिए। आए है मैकेनिकल वाले ना, इसीलिए चीटिंग का है ना। हाय ले बाबू भैया। देखो आज के दिन बहुत सारे लोग बहुत दिनों बाद देख रहे हैं। हाय शिवानी, क्या तू दो दिन में मोटा कैसे हो गया? अरे क्या हो गया हाथ तो तेरे, क्या हो गया? देख तो कितने पराठे बनाने में ये हाल हुआ। चंचल तू इतने दिनों बाद दिख रही है, कहाँ थी तू? प्रोजेक्ट प्रेशर। प्रैक्टिकल क्या है जरा, कितने बजे से कुछ पता पता बता दे यार। माइनर प्रोजेक्ट का है ना, 10:30 बजे से। मतलब पढ़ लिया तूने सारा? और एक्सटर्नल आएगा 12 बजे। तो रिटर्न होगा ना? रिटर्न कितने बजे? रिटर्न कितने बजे? रिटर्न भी होगा क्या? तो आयुष हाल तो तुम छोड़ ही दो, बताओ पढ़ के कितना आयो? देखो पढ़कर कुछ नहीं आए, ऊपर से प्रैक्टिकल भी नहीं लिखा, तो तुक्के से किसी का सबमिट कर देंगे। मतलब तूने कुछ नहीं पढ़ा ना? नहीं। तो मतलब पास कैसे होगा? अब वो किस्मत की बात होती है, हो जाता हूँ मैं। बच्चे लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट लिखे जा रहे हैं। पायलट कितने एक्सपेरिमेंट लिख लिए? मैंने लिखे 8। दिखाना, पेज तो पूरे भरे भरे लग रहे होंगे ना। अरे भाई इधर पूरे लिखे हुए देखना, और इधर पे भी मतलब पूरा ग्रुप लिखे जा रहा है वहाँ का। तो सोएब कैसा लग रहा है प्रैक्टिकल लिख लिख कर? कर रहे हो कुछ ट्रिकी लगा रहे हैं? गंगा जल छिड़कते हैं यार, शुद्धता हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये नीचे लड़के बैठे। चलो चलो शुरू करो। ओ गया। एक और बार राजेंद्र ने गंगा जल छिड़क दिया। अब इनका प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा ना राजेंद्र? शुद्ध हो जाएगा वो। अभी देखना राजेंद्र और ये सत्य वो साइड से पानी डालेंगे, और वो नीचे तरफ बैठे ना ये लोग, ये 5 लोग मैकेनिकल वाले, उनके ऊपर डालने वाले। वेट वेट वेट, देखो 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 देखो, गया गया गया। बेचारे गुस्सा हो रहा है ये लोग। बेचारा गुस्सा हो गया ऋषि भाई, आज पहली बार गुस्सा हो रहा है ऋषि। आज तो बस ऋषि पूरे फॉर्म में है, गुस्से वाले कुछ भी कर लो आज। ऋषि बताए बहुत गुस्सा हो रहा था भाई, बोले नहीं तो भाई मजाक मस्ती तो चलती है यार क्लास में। फल चुके गुस्सा हो रहा है, देखो कोई बात नहीं, अपन ने नहीं, अपन इकलौते नहीं, अभी चार लोग डाल के चले गए पानी। इरफान है ना, इरफान इरफान ओए इरफान इधर तो आ, इरफान वो चढ़ चढ़ के इरफान जो कुणाल के पीछे खड़ा ना जय के बगल में, इरफान इधर तो इधर तो इधर तेरे एमएस बना रहे। यही वो लड़का था, यही वो लड़का था जो पानी डाल रहा था। पानी डाला क्यों? तूने पानी डाला था ना ऋषि? अरे भाई ये लड़का बहुत सीधा है। बेचारा संदीप गुस्सा हो गया। राजीव संदीप गुस्सा हो गया बेचारा भाई, पानी डाल दिया उसके ऊपर। अभी तक सारी ब्रांचेस के प्रैक्टिकल चालू होगा, बस हमारा टाइम टाइम की तरह तरुण टाइम की तरह 11:15 हो चुका भाई। अभी तक 2 या 3 ब्रांच भी हो गए, बस हमारे ही नहीं हो। अरे 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 क्या हो रहा है? अरे 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 इनकी मस्ती का अलग ही लेवल है। राजेंद्र ना मस्ती में पूरा आगे रहता है, मतलब 1% भी नहीं छोड़ता भाई। ये देखो हमारी क्लास के बॉडी बिल्डर भाई। अब टाइम हो चुका है वायवा देने का, मतलब रिटर्न का चल रहा है कंटिन्यू, रिटर्न का टाइम हो चुका है अब फाइनली। और पता है सोच रहे हैं तो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट हो रहा है सवा 1। इट मीन्स की
डेढ़ ही मान लो। चलो पा रिटर्न देने के बाद बात करते हैं, बाय बाय का टाइम। तो बैग बाहर रख दिया है, सो अब देखते हैं, चलो बाय। भाई अपना वाइवा भी हो गया और प्रैक्टिकल भी हो गया, मतलब रिटर्न भी हो गया, वाइवा भी हो गया। वाइवा में बस जो एक्सटर्नल थे वो थोड़ा सा ऐसा जा रहे थे कि मतलब डीपली जा रहे थे बहुत ज़्यादा, कि हाँ भैया आप पढ़ के आए हो, तो चलो इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं, चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तो एक लड़के ने बोल दिया था, पहले तो कोई आंसर नहीं दे पा रहा था क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, तो इसीलिए आंसर नहीं दे पाया। तो पहला वाला फिर सर ने पूछा कि बेटा तुम ये बताओ आप कुछ तो पढ़ के आओ तो बोलो थोड़ा सा। तो एक लड़के ने बोला कि सर मैक नंबर पढ़ के आए, तो फिर उसके बाद सर उसके अंदर भी फिर डीपली तरीके चले गए थे। तो अब समझ लो कि तू टास्क क्यों रहा है, अभी एक्सटर्नल देने आएंगे ना पता चलेगा तेरे को। और अभी ये इतने सारे बच्चे इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि इनका प्रैक्टिकल यानी कि वाइवा होना बाकी है। तो अभी ये सभी लोग बस एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो पता है प्रैक्टिकल जैसे ही हुआ ना मेरा, तो उसके बाद फिर मुझे हंसी आने लगी कि इन लोगों ने जितने भी लोग थे ना उन्होंने सब मेरे को ऐसे घेर लिया बहुत बुरी तरीके से। और फिर उसके बाद पूछते हैं बता 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 क्या पूछा, बता 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 क्या पूछा, बता बता, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब यही जानने के लिए बैठे हो कि मतलब यार ये जैसी बाहर आएगा ना और उसके बाद हम इसे पूछेंगे बताओ जरा क्या पूछा आपसे। मैं शॉक्ड हो गया था भाई, मैं किसी से बता रहा था, एक पर्सन को बता रहा था। तो आधी रामायण उसको सुनाओ, तुरंत बीच में कोई और आ जाए, फिर वो कहे बता बता क्या हो, बता बता, अरे मिलन बताना, फिर एक रामायण फिर से सुनाओ, फिर तीसरा आ जाएगा। इस तरीके से साला कोई पूरी स्टोरी बताने ही नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है। बस ये है कि सर जो थे वो स्टार्टिंग क्या है, हम लोग का रोल नंबर क्या है, स्टार्टिंग टाइम का, इसीलिए बोला थोड़ा सा डीपली जा रहा है कि हाँ भैया बताओ कि मेरे क्वेश्चंस के सवाल के जवाब दो, अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तैयारी करते हैं। और क्या चलो जरा बस में बैग रख दिया जाए, थोड़ी भीड़ भाड़ तो दिख रही है। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी बिल्कुल, साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज। बस पर गए क्या आज अंकल? हवापुरी जा रही है। यहाँ पे कोई बैठा है क्या? यहाँ पे कोई बैठा? यहाँ कोई बैठा? ये नहीं पता, बताओ क्या पता है? नहीं 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 रखा कोई दिक्कत। कोई कितना भी क्यों ना बड़ा हो जाए लेकिन कार्टून से कभी पीछा नहीं छोड़ सकता। ये लड़का बेचारा कार्टून देखने में बिजी है। हे भगवान। मैं अब कॉफी पी हो गया। यस 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 कॉफी भी लेता हूं। कोल्ड कॉफी है। यू लाइक फ्रेश हियर कम व्हाट्स इन माय कप होली टॉप शेल्फ ड्रिंक दैट। फाइनली कॉफी इज रेडी। तो मम्मी कॉफी बताओ जरा टेस्ट कैसी बनी है? अरे इतनी तारीफ नहीं जाती वो तो, मेरे को पता है मैं अच्छी बना लेता हूँ थोड़ी बहुत। आज पता क्या हुआ, आज प्रैक्टिकल था हमारा, तो अब पता सबने तो पहले जल्दी से रिटर्न लिख लिया था। हाँ लिख लिया था जल्दी जल्दी। अब फिर वाइवा की बारी आई, वाइवा के टाइम पे सब घबराने लगे कि सर क्या पूछेंगे। और पहले की चांस में मेरा था, सबसे पहला तो मेरा ही था। सोचो ये क्यों तोड़ के जा रहा है, तोड़ के जा रहा है। मतलब तीन लोगों को एक साथ बुलाया था और उसमें भी ऐसे मैं भी डर रहा था कि भैया क्या होगा। लेकिन फिर उसके बाद जैसे हम लोग गए वहाँ पे तो सर ने पूछा, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, हमने आंसर देते गए। अब वो सर भी पता है ऐसे कि मतलब बहुत अंदर तक घुसते आ रहे थे उसके, तो नहीं बेटा ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये बताओ वो बताओ फलाना ढिमकाना। वो क्या है शुरू शुरू में जो नए नए बच्चे आते हैं ना उनका क्या फ्रेश माइंड रहता है सर का, तो उनको स्टार्टिंग टाइम पे थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे बिल्कुल डार्क मतलब खतरनाक वाले। फिर उसके बाद एंडिंग के बच्चों के लिए फिर वो इतना नहीं रहता, एंडिंग के बच्चों के लिए तो बस ऐसा रहता है हाँ बेटा तुम्हें जो आता है वो बस बोल दो बस जाओ। चलो खैर ठीक है, आज का प्रैक्टिकल तो पता हमें हो गया, लेकिन अब तीन प्रैक्टिकल और बचे बस। अब वो प्रैक्टिकल फाइल लिखनी है एक की, फिर उसके बाद अब दो और, फिर देखते हैं क्या। चलो यार अब जरा टाइम आ चुका है भाई साहब के दूसरे प्रैक्टिकल की भी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में कुछ अच्छा पता नहीं है। तो अब क्या किया जाए, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली जाए कम से कम। आज का प्रैक्टिकल वाइवा तो हो गया, ठीक था, इनफैक्ट अच्छा था, लेकिन अब टाइम आ चुका है दूसरे वाले को और अच्छा बनाने का, इसीलिए लैपटॉप से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली जाए कम से कम। चलो बढ़िया, आज का दिन था ठीक ठाक, बढ़िया मस्ती भी कर ली। लेकिन बस वही है कि वाइवा के टाइम पे टीचर्स थोड़े से लेट आया, मतलब वाइवा लेट ही हुआ भाई, सारी ब्रांचेस का वाइवा जल्दी हो चुका था, प्रैक्टिकल जल्दी हो चुके थे, लेकिन बस इकलौता हमारा ही ब्रांच बचा हुआ था, इसमें सबसे लेट वाइवा हुआ, सबसे लेट रिटर्न एग्ज़ाम हुआ। तो कोई ना, क्या पता करके दें जल्दी हो जाए, हू नोस। चलो बढ़िया, फाइल वाइल जमा कर लेते हैं और रेडी कर लेते हैं बस, फिर उसके बाद देखते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपन ध्यान रखो और प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई।